नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से आपके सामने लाइव आई हूँ। आज सोचा कि जो पिछला एक मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे फिर से रिक्वेस्ट आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके सामने दोबारा लाइव आके आपको कुछ कंटेंट आगे का बता सकूं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जानना चाहूँगी आप सबसे कि आपको क्या लगता है कि हमारे इस कोरोना या लॉकडाउन की वजह से हमारे कल्चर पे या हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा इसका, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगता है आपको? मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। मैं एक्चुअली कल एक फेसबुक पे ना मीम देख रही थी, तो उस पे था कि एक शादी का इनविटेशन कार्ड टाइप का था। मेरे ख्याल से जो सुनेंगे या जो देख रहे हैं उनको शायद रिसेम्बल्ड हो, तो वो मीम में था कि वो एक इनविटेशन देते हैं और बोलते हैं कि अब शादी है तो आप, जैसे पहले लिखा जाता था आप सब परिवार आइएगा, उसमें अब मेंशन किया गया था कि अब आप अकेले आइएगा। तो कितना कुछ चीज़ें जो हम पहले करते थे अब वो कोरोना की वजह से कितना कुछ चेंज हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अब हमारे लोग भी कॉन्टैक्ट के कितने लिमिटेशंस हो गए हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसने किसी ने एक ने कमेंट किया था, उसमें लिखा था कि अब तो ये पता चलेगा कि कौन आपका फेवरेट है और कौन नहीं, क्योंकि सिर्फ 50 लोग के लिमिटेड लोग को बुलाना है तो ऑब्वियसली आप फेवरेट लोगों को ही बुलाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमारा कल्चर कैसे चेंज हो रहा है, कि पहले एक ये रहता था कि हम बहुत सारे लोगों को बुलाते थे, 1,000-2,000 लोगों की गैदरिंग होती थी शादी ब्याह में, और अब हम वो 50 लोगों में रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। खैर ये सब मजाक की बातें थी, बट एक चीज़ जो मुझे लगा कि अगर हमारा मैरिज सिस्टम, अगर सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ रहा है, जो मुझे पर्सपेक्टिव लगा वो था कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, अब अगर हम 50 लोग को बुलाएंगे तो ऑब्वियसली खर्चा भी कम होगा, पैसों की बचत होगी। जो खाना इतना अक्सर शादी ब्याह में सुनने को मिलता था कि काफ़ी कुछ खाना वेस्ट होता है, तो वो भी बचेगा। तो अगर एक इंस्टीट्यूशन में चेंज हुआ तो उसने दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी चेंज कर दिया। ऐसा ही हर बार होता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन पे चेंज आता है तो दूसरे पे भी वो प्रभाव डालता है। ऐसा ही कुछ एक थॉट मेलानोस्की का भी था। इससे पहले मैंने एक मेलानोस्की के थ्योरी ऑफ नीड पे वीडियो बनाया था, उसका आज ये सेकंड पार्ट है। मैं कहूँ कि मेलानोस्की का फंक्शनलिज्म अप्रोच है, मतलब फंक्शनलिज्म अप्रोच को मेलानोस्की ने सिर्फ अकेले ही नहीं बताया था, उससे पहले बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने फंक्शनलिज्म के बारे में बात की, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर थे, अगस्त कॉम्टे थे, इमाइल डरखाइम थे, प्रिचर्ड, रेमंड फर्थ, लूसी मेयर, टालकट पार्सन, रॉबर्ट मर्टर, बहुत सारे लोगों ने बात की। पर डिटेल में जैसे कहें कि मेलानोस्की ने ही फंक्शनलिज्म को बहुत डिटेल में बताया, लाइक यू कैन से फंक्शनलिज्म इज कंसिडर्ड एज अ प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट, कि उन्होंने बहुत डिटेल में सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात की थी। आप सब जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब आपको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, आप लाइव आए हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आते हैं अपने पॉइंट पे कि मेलानोस्की क्या कहते हैं कि जो अपना फंक्शनलिज्म है उस पर उन्होंने सोसाइटी और कल्चर के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। वो हर बार यही बोलते हैं कि जो कल्चर के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो आपस में बहुत जुड़े होते हैं। मेलानोस्की एक ऐसे, मैं कहूँ कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे कि जिन्होंने बहुत सारी बुक पब्लिकेशंस करी, मतलब 1913 से लेकर 1967 तक उनकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश्ड हुई हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि उन्होंने बुक पब्लिश करा दी, हर एक बुक उनकी बहुत ही रीडेबल कंटेंट वाली एक बुक्स होती थी। मेलानोस्की के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहे हैं, या जैसे मैं कहूँ 11 कॉन्ट्रीब्यूशन उनके बहुत फेमस रहे हैं,
चाहे वो एवोल्यूशनिस्ट पे अटैक करने को हो, उनका फेमस फील्ड वर्क हो, राइटिंग एथनोग्राफी हो, कल्चर के बारे में बात करी, फंक्शनलिज्म थ्योरी बताई, थ्योरी ऑफ नीड, थ्योरी ऑफ लॉ, किनशिप के बारे में, मैजिक रिलीजन, सोशल चेंज, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक सर्विस को एंथ्रोपोलॉजी के वे में, मतलब उसको यूज़ करना, ऐसी काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी है। तो मेलानोस की मतलब एक एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी, जैसे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंसिडर किए गए हैं। वो हर बार यही कहते थे कि जो हमारी सोसाइटी है ये एक अलग अलग भाग से मिलके बनती है, और ये सारे भाग का काम क्या होता है, सोशल सॉलिडेरिटी को मेंटेन करके चलने का। वो हर बार यही कहते थे कि सोशल फंक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सोशल स्ट्रक्चर। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, और सोसाइटी का काम ही यही होता है कि अगर वो सारे फंक्शंस इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करेगी, और अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनका काम ही यही है, भले वो इंडिविजुअली काम करते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस, बट उनका काम क्या होता है, सोशल हार्मनी को मेंटेन करके चलना। एक एग्जांपल जैसे समझते हैं कि जैसे रिलीजन होता है, रिलीजन का काम क्या होता है, हमें वर्शिप करना सिखाना, यूनिटी सिखाना। फैमिली का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना, चिल्ड्रंस को सोशलाइज करना। एजुकेशन का काम होता है कि हमें स्किल सिखाना, हमें नॉलेज देना अपने कल्चर के बारे में। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, इनका अपना एक इंडिविजुअल काम होता है, और वो इंडिविजुअल काम हमारे एक साथ मिलकर आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इनका फंक्शनलिज्म अप्रोच के बारे में साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर और डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उन्होंने इस बुक में ही सबसे पहले फंक्शनलिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया और बताया। उन्होंने बार बार यही फोकस किया है कि कैसे ये इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे एक आज एग्जांपल की बात करते हैं कि जो अभी मैंने एक बात एग्जांपल की जो मैंने एक मीम से स्टार्ट किया कि फेसबुक पर मैंने एक मीम पर देखा, उसमें था कि इनविटेशन कार्ड को लेके, मैरिज सिस्टम को लेके। तो एक जब मैरिज सिस्टम चेंज हुआ तो उसने हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पर अफेक्ट कर दिया, यानी एक पे अगर चेंज आया तो दूसरे पे भी चेंज आ गया। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पहले जो मेलानोस्की ने इतने साल पहले जो थ्योरी दी वो कहीं ना कहीं आज भी फॉलो होती है और कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं और एक्चुअल लाइफ में आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपका कुछ ऐसा थॉट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बताइएगा ज़रूर, सो वी कैन हैव एन हेल्दी डिस्कशन। आपको क्या लगता है कि जो मेलानोस्की ने एक थ्योरी बताई है फंक्शनलिज्म सोसाइटी कल्चर के बारे में, क्या वो आज के समाज में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। एक एग्जांपल जैसे और मैं बताती हूँ, अभी परसों ही हमारी एक फेसबुक पे किसी से बात हो रही थी, सॉरी व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने एक मुझे आर्टिकल भेजा। तो उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी या काम का ना होना और शराब की बिक्री, इन दोनों चीज़ ने घरेलू हिंसा को बढ़ावा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है कि ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ों ने घरेलू हिंसा को बढ़ावा दिया है? कहीं ना कहीं ये रीज़न इम्प्लीमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि नौकरी ना होना यानी कि आपकी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, इस इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, फैमिली किनशिप पे इफेक्ट आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंस्टीट्यूशन चेंज हो रहा है या उस पर कोई इफेक्ट आ रहा है, वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को इफेक्ट ज़रूर करता है। अब ये कितने प्रतिशत या कितने परसेंटेज लेवल पे सच है, ये तो एक सर्वे या डेटा से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स जस्ट माय अजम्पशन। आपको अगर ऐसा कुछ एग्जांपल लगता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज में बताइएगा ज़रूर कि ऐसा आसपास आपके समाज में आपको ऐसा क्या इंटर रिलेशन दिखा है जिसे हम कह सकते हैं कि मेलानोस्की की वो प्रीवियस थ्योरी आज भी हमारी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं होती है। इन्होंने हमेशा से ये कहा है कि जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये हमारे इंडिविजुअल नीड को फुलफिल करने के लिए ही बने होते हैं। जैसे कि इन्होंने नीड को तीन लेवल में बांटा था, प्राइमरी, इंस्ट्रूमेंटल, इंटीग्रेटिव।
मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर एक प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ। तो जो थ्योरी ऑफ नीट के बारे में सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या मेरा यूट्यूब चैनल है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ईशी कौर, आप उस पर भी जाके थ्योरी ऑफ नीट के बारे में आप जान सकते हैं। आते हैं कंटेंट पे कि जैसे वो बोलते हैं कि ये सारे नीड ये कहीं ना कहीं जो होते हैं वो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ही हमारे नीड फुलफिल करते हैं। मेलानोस्की हमेशा से अपने काम के लिए बहुत फेमस रहे हैं। कौन सा काम? उनका काम था वो एक्सटेंसिव फील्ड वर्क। उन्होंने उस समय एलियन लैंड पे जाके काम किया था। एलियन लैंड जैसे मैं कहूँ कि ऐसी जगह जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने उस वक्त ट्रोबियन आइलैंड पे रहकर उनके कल्चर को समझा था, उनके कल्चर को जाना था। उस समय जब वो उनकी भाषा नहीं जानते थे, उनका कल्चर नहीं जानते थे, स्टिल वहाँ पे रह के उन्होंने उनकी सारी चीज़ों को समझा। तो ये एक जो काम उनका था, उन्होंने अपने इस काम को एक बुक में भी कन्वर्ट किया था जिसका नाम था द आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। ये बुक कहते हैं कि उस समय एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक थी, क्योंकि उन्होंने अपने एक एक्चुअल एक्सपीरियंस को बुक में कन्वर्ट किया था। मेलानोस्की का काम हमेशा से उन्होंने यही बोला है कि जितना अगर हम फंक्शन को पढ़ रहे हैं ना, इसको हम एक बायोलॉजिकल सेंस, फिजिकल सेंस या सोशल साइंस के सेंस में पढ़ना चाहिए। बायोलॉजिकल सेंस जैसे मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, इन सब का अलग अलग काम होता है, बट इनका मिलकर काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को ठीक रखते हैं ताकि एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग प्रॉपरली सर्वाइव कर सके, अच्छे से काम कर सके। वैसे ही हमारी सोसाइटी और ये कल्चर होता है, हमारी सोसाइटी में ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि हमारा फैमिली हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, इनका अपना इंडिविजुअल काम होता है, बट इनका काम क्या होता है, हमारी सोसाइटी को एक साथ लेकर चलना, सोशल हार्मनी, सोशल सॉलिडरिटी, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना। इन्होंने एक सोसाइटी को, एक कलेक्टिव लाइफ ऑफ सोसाइटी को, जैसे कहते हैं कि फंक्शनलिज्म को, इन्होंने चार्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उसके बाद उस चीज़ को मैं थोड़ा फर्दर बताती हूँ। आई होप आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ओके, इन्होंने जो ये स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो समझ सकते हैं कि अक्सर इसको UGC नेट में अक्सर ये सीक्वेंस को पूछा जाता है। तो ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए क्या है। चार्टर यानी कि नॉर्मल वैल्यूज, पर्सनल नॉर्म्स, मटेरियल ऑपरेटर्स, एक्टिविटीज और फंक्शन। अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या बताना चाहता है एक्चुअल में हमें। चार्टर यानी मेलानोस्की क्या कहते हैं कि जैसे अगर एक कोई इंडिविजुअल है, उसका अपना पर्सनल को एक उन्होंने टैग दिया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, उन्होंने बोला उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रूल्स, कुछ बिहेवियर होता है हर इंडिविजुअल का। वो अपना काम करने के लिए क्या करता है, एक मटेरियल अपरेटस यानी कुछ चीज़ों को लेता है एक्टिविटी करने के लिए। उस एक्टिविटी से फंक्शन क्या होगा कि उसके नीड सेटिस्फाइड होंगे। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, मतलब इट्स लाइक अ लेमैन समझने के लिए। UPPSC के स्टूडेंट्स प्लीज इसको मेंशन मत करिएगा अपने आंसर में, ये सिर्फ समझने के लिए। जैसे मेरा शौक क्या है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। तो मैं एक पर्सनल यानी कि ग्रुप, अपना एक इंडिविजुअल, मेरे नॉर्म्स क्या हैं, मेरे रूल्स क्या हैं, बिहेवियर क्या है कि मैं पढ़ाना जानती हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मटीरियल अपरेटस, मैं पढ़ाने के लिए क्या करूँगी, मैं अपने कुछ सामान को, टूल्स को यूज़ करूँगी, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड यूज़ करूँगी, बुक्स यूज़ करूँगी, ये मेरे टूल्स मटीरियल अपरेटस हो जाएंगे। इसकी मदद से मैं क्या करूँगी, मैं एक्टिविटी करूँगी। एक्टिविटी क्या होगा, मैं पढ़ाऊँगी, जो आजकल मैं कर रही हूँ, ऑनलाइन आपको टीचिंग दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। फंक्शन, उससे पांचवा स्टेप क्या होगा, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, मेरे पढ़ाने से कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल गई। तो उन्होंने यही एक सोसाइटी को, एक नीड को, एक चार्टर इंस्टीट्यूशन के द्वारा समझाने की कोशिश करी है।
वो उनका काम हमेशा, जैसे उन्होंने बोला, प्रिमिटिव सोसाइटी में जो उन्होंने काम किया है ट्रोब्रियन आइलैंड पे, उन्होंने उस काम को अपनी आज की करंट सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करी है। जैसे उन्होंने ट्रोब्रियन आइलैंड में फिशिंग एक्टिविटी को पढ़ा था, उसको इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से पढ़ा था, तो उन्होंने बताया कि कैसे उनकी फिशिंग एक्टिविटी मिथ से जुड़ी होती है, कुछ ना कुछ उसमें मैजिक रिलेट होता है, कहीं ना कहीं उनका किनशिप भी इसमें इन्वॉल्व होता है। बट उसमें खूबसूरत चीज़ क्या थी कि ये भले अलग अलग चीज़ें हैं बट ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहती ही रहती है। तो उन्होंने बोला है कि जो एथनोग्राफर्स होंगे, जो आगे कल को स्टडी करेंगे, उनको ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जितने भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और इनका काम क्या होता है, बायोलॉजिकल नीड को या साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करना। जैसे कि एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछा गया है, उसमें क्या बोलते हैं कि फंक्शनलिज्म अप्रोच को क्या बायोलॉजी और किस अन्य नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप टिक कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं कि यस, जो फंक्शनलिज्म अप्रोच है वो दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, एक बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म और एक साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म। क्यों? क्योंकि मेलानोस्की ने काफ़ी बायोलॉजिकल नीड की बात की है और इंडिविजुअल नीड की बात की है, इसलिए इन्हें दो अन्य नाम से भी जाना जाता है। मेलानोस्की की मेथोडोलॉजीज काफ़ी फेमस रही हैं। एक थी उनकी लॉन्ग टर्म इंटेंसिव फील्ड वर्क, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने ट्रोब्रियंट आइलैंड पे रहकर इतने साल तक वहाँ रहकर उन्होंने काम किया था, और बार बार वो यही एम्फोसाइज करते थे कि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो कल्चर की स्टडी करना चाहते हैं वो अपना एक लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क करें। दूसरा उनका था इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, उन्होंने बोला है कि अगर आप किसी सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत इन डेप्थ, बहुत डिटेल में उसकी जानकारी लेनी चाहिए। और तीसरा जो उनका बहुत फेमस था, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर आप किसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वहाँ रहकर उनके साथ काम करके, उनको ऑब्जर्व करके आप उनकी जानकारी के बारे में डिटेल्स निकालें। तो ये तीन उनकी मेथोडोलॉजी बहुत फेमस थी। तो ये कुछ कंटेंट था मेलानोस्की के फंक्शनलिज्म अप्रोच का। अब जब कुछ थ्योरी आती है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी लाती है। अच्छी चीज़ इसमें क्या थी, फंक्शनलिज्म अप्रोच ने अपने इंस्टीट्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने बोला जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये सिर्फ कोई पार्ट नहीं है, सिंपल पार्ट नहीं है, इनका अपना एक फंक्शन होता है, सोशल सॉलिडरिटी मेंटेन करने का, सोशल कोहेजन मेंटेन करने का, सोशल कंटिन्यूटी मेंटेन करने का, यानी ये कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि जितनी भी सोसाइटी है वो कंसिस्टेंट रहती हैं इन्हीं सब की वजह से। क्यों? क्योंकि ये सारे पार्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन एक साथ मिलकर एक दूसरे की म्यूचुअली हेल्प करके एग्जिस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने जो बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर को इन पे उन्होंने बहुत एम्फोसाइज किया, बहुत बोला कि जो हमारे कल्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोसाइटी का एक पार्ट, और इसका काम क्या होता है, इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करना। अब कोई थ्योरी आती है, कुछ अच्छी चीज़ें लाती है तो कुछ क्रिटिसाइज भी किया जाता है उसको, इसका भी क्रिटिसिज्म किया गया। 1950-60 पे बहुत पॉपुलर रही है ये थ्योरी। क्रिटिसाइज किस बेस पे किया गया, कुछ इंटरैक्शनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो ह्यूमन बीइंग की एक्ट या बिहेवियर को पढ़ाई करते हैं, इंटरैक्शनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इनको अपोज किया। उन्होंने बोला ह्यूमन का जो कॉम्प्लेक्स नेचर है आप उसको इस इंटरकनेक्शन रिलेशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इनकी जो एक लिमिटेशन थी कि ये इन्होंने हिस्टोरिकल प्रोसेस को इंक्लूड नहीं किया था। तीसरा ये एक एंटी हिस्टोरिकल रहा है। चौथी चीज़ इन्होंने इकोलॉजिकल फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया। इकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, कभी कभी ये सारी चीज़ें भी हमारे कल्चर को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर मैं करंट सिनारियों में बात करूँ, कोरोना एनवायरनमेंट पे ही इफ़ेक्ट आया, उसकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशंस इफ़ेक्ट हुए हैं, बट उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी। तो इट्सेल्फ मैं खुद उनको इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करती हूँ, जो कि हम खुद देख रहे हैं कि कैसे एनवायरनमेंट ने हमारे कल्चर को प्रभावित किया है। नेक्स्ट चीज़ उनके जो क्रिटिसाइज हुआ है वो उन्होंने बोला है कि काफ़ी डिटेल में उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने बोला कि जो इनइक्वालिटी, असमानता हमारे समाज में होती है, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, रेस को लेकर हो, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। ये हमेशा कहते हैं कि फंक्शन बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है, बट ऐसा नहीं होता है। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं ये सोसाइटी पे
डिसफंक्शनलिज्म, डिसहार्मनी, एक कहते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। तो हमेशा सोसाइटी पॉजिटिव वे में काम नहीं करती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो फंक्शनलिज्म अप्रोच में आपको समझने की, यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स हैं या पीजी के स्टूडेंट्स हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक छोटा सा वीडियो था ताकि वो फंक्शनलिज्म अप्रोच को समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फिर से आपसे कहूँगी कि प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो या आप मुझे करेक्ट करना चाहें या मुझे कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव एन हेल्दी डिस्कशन। और बहुत अच्छा लगा आप सब जो मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ कमेंट करते रहे, मेरे स्टेटमेंट को बताते हुए कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत अच्छा लगा आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा मुझे सुनने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो किसी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट पे होगा। बहुत होगी फॉरनर्स की बातें, कुछ अपने इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी जान लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी, आपको जल्दी अपडेट करूंगी एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ। तब तक के लिए मैं सब आपसे यही अपील करूंगी कि भारत अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।